हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन्य जीव प्राणी सप्ताह की शुरुआत हो रही है। तो ये देख सकते हैं आप, बच्चे यहाँ पे स्लोगन लिख रहे हैं। वन्य प्राणी सप्ताह हर साल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा मनाया जाता है, जो चलता है 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक। तो 1 वीक का ये प्रोग्राम रहता है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने बच्चों को टी शर्ट बांटना शुरू कर दिया है। जो भी प्रतिभागी आए हैं उनको टी शर्ट दी जाएगी। और आज है साइकिल रैली का प्रोग्राम। तो काफ़ी दूर दूर से काफ़ी स्कूल के बच्चे आए हुए हैं प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये देखिए, बच्चा स्टंट दिखाएगा हमें। ये देखिए, जितने भी बच्चे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबकी लाइन लगाई जाएगी। तो लाइन लगाने का काम कर रहे हैं अभी हमारे संतोष बिष्ट जी, जो है फॉरेस्ट एम्प्लॉय। ये देखिए, इस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे स्लोगन लिख के लाए हैं। तो रामनगर के माननीय विधायक जी दीवान सिंह बिष्ट जी पहुंच चुके हैं, जिनका स्वागत हमारे डिप्टी डायरेक्टर सर और पार्क वार्डन और हमारे रेंज ऑफिसर माननीय विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं। तो अभी 8 बजे से इसका शुभारम्भ होने वाला है। भारत माता की जय। दोनों हाथ खड़े जा, एक हाथ एक साइकिल पकड़े जा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद। आज हम सब लोग यहाँ पर वन पर्यावरण दिवस के रूप में, सप्ताह के रूप में ऐसा करने चले हैं। मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि वन पर्यावरण के लिए जिस प्रकार से आप लोगों के अंदर उत्साह ये उत्साह बना रहना चाहिए। एक सप्ताह में हम कार्यक्रम जिससे कि सप्ताह अभियान की हमारा नारा भी है, स्वच्छ भारत। क्या नारा है? स्वच्छ भारत। तो इसके लिए हम सब लोग करेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय भारत, जय। तो अभी आपने सुना विधायक जी के वचनों को, और यहाँ पे शुरू हो चुका है संकल्प कार्यक्रम। तो माननीय विधायक जी यहाँ पे संकल्प लेंगे। ये देखें, इनके द्वारा यहाँ पर हस्ताक्षर किया गया है, श्री मदन जोशी जी। और ये हैं हमारे कॉर्बेट प्रशासन के डिप्टी डायरेक्टर, कॉर्बेट प्रशासन के पार्क वार्डन द्वारा भी संकल्प अभियान में हस्ताक्षर किए गए हैं। और ये देखिए, माननीय विधायक जी रामनगर द्वारा साइकिल रैली का शुभारंभ कर दिया गया है, उसे हरी झंडी दिखा दी गई है। तो सभी प्रतिभागी अपनी अपनी साइकिल लेके निकल पड़े हैं। ये साइकिल रैली कॉर्बेट प्रधान कार्यालय से लेके ढिकुली तक जाएगी। तो चलते हैं। संतोष बिष्ट जी द्वारा हमें इस रैली में वॉलेंटियर का रोल दिया गया है। तो हम जाएंगे अपनी बाइक से, और जो साइकिल में प्रतिभाग करने वाले जितने भी प्रतियोगी हैं वो निकल चुके हैं आगे। हम भी चलते हैं उनके साथ साथ। अधिकांश प्रतिभागियों द्वारा जो अमडंडा है, बिजरानी गेट, वो क्रॉस कर लिया गया है।
और जो प्रतिभागी है ये देखिए और ये देखिए बच्चे को करतब दिखाते हुए एक टायर पे साइकिल चलाता है लड़का। और यहाँ पे सबको रोका गया है ताकि सब एक साथ चल सकें क्योंकि कुछ लोग पीछे छोड़ चुके हैं जिसमें काफी छोटे बच्चे भी हैं। रैली का आयोजन किया गया वो बहुत ही बधाई के पात्र और प्रत्येक साल हमारा सौभाग्य का विषय है कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो एशिया का सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है। यहाँ पे पर्यटन गतिविधियाँ लगातार चलती रहती हैं और साल में हमें भी मौका मिलता है क्षेत्रवासियों को कि ऐसे मौकों पर इनमें शरीक हो जाए। तो मैं पूरे कॉर्बेट पार्क प्रशासन को और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहे, पूरा सही होगा। तीसरे का आभार प्रकट करता हूँ पॉलीकोर जिन्होंने हमें इस पूरे उसके लिए अपना सहयोग दिया है अमूल्य, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और आज पूरे रामनगर में उन्हीं की टी-शर्ट पहन के सारे लोग घूम रहे हैं तो ऐसे ही लोग प्रकृति को अगर बचाने के लिए अपना थोड़ा सा भी एक गिलहरी के मात्र सहयोग देंगे तो कहीं ना कहीं बधाई की बात है। तो ये देखिए जो वन्य जीव प्राणी सप्ताह में जो बच्चे सम्मिलित हुए वो हमारे पीछे से आ रहे हैं साइकिल के साथ। क्या साइकिल ले ली है तो साइकिल से आज शुरू कर रहे हैं। काफी सारे प्रतिभागी इसमें जो प्रतिभाग कर रहे हैं आज वन्य जीव प्राणी सप्ताह में। तो आज है 1 अक्टूबर, ये चलेगा एक वीक तक। गड़िया फराज और ये हमारे संतोष जी काफी कर्मठ है। ये देखिए काफी दूर दूर से इसमें बच्चे प्रतिभाग करने आए हैं, काफी उत्साहित बच्चे हैं। और इस बच्चे को देखिए फिर से एक टायर पर साइकिल चलाता हुआ। इसने फिर उछाल दिया साइकिल, ये देखो तो स्टैंड मैन है ये, साइकिल का स्टैंड मैन जो एक टायर पर साइकिल चला लेता है। ये देखो बच्चा एक साइकिल पर स्टंट करते हुए, बहुत ही खतरनाक बच्चा है, ये एक्सपर्ट है इस मामले में। वो भी तो चला लेगी, इसके चक्कर में रुकी है। हाँ ये बच्चे को आगे रखो यार। अंदर रहना
यहाँ आराम से थोड़ा ढलान है बच्चों, यहाँ से थोड़ा ब्रेक मार के चलो, गाड़ी के पीछे 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 चलो, ठीक है। आगे है स्मारक, हमें जाना है स्मारक के वहाँ पे, तो वहाँ पे स्टॉपेज होगी, तो यहाँ पे रैली समाप्त करनी है स्मारक के वहाँ पे। तो रैली हमारी रामनगर कॉर्बेट ऑफिस से निकली थी, तो यह है स्मारक, तो यहीं पे रैली का एंड पॉइंट है। पे कोल्ड ड्रिंक और नाश्ते की व्यवस्था की गई है, तो चलते हैं इनको खिलाते, इनको कराते हैं कोल्ड ड्रिंक पानी वानी की व्यवस्था। अरे वो कहाँ रह गए यार, अरे हिमाल तो फटाफट काट ले गए यार, अरे तो यहाँ पे लोगों को पिलाया जाएगा पानी। यहाँ जो देखने के लिए टूरिस्ट आ रहा है उसको बचाने के लिए काम करें, इसके लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो भी लोग यहाँ पे आए हैं खुद को ये मान सकते हैं कि पर्यावरण के महत्व को वो समझते हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का पता है कि यहाँ पर जो टूरिस्ट है वो दूर दराज से इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास हरियाली है। जो उनके शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे उनके पास नहीं है, हमारे पास साफ हवा है, साफ पानी है, लेकिन आज आप आज के आसपास देख सकते हो अपने कि कितना कचरा हम लोगों ने फैला दिया है। यहाँ भी पीछे जंगल हमारे साथ ये प्रोग्राम करने के लिए आ गए हैं। अच्छा शॉर्ट में मैं भी बताता हूँ कि क्या प्रोग्राम चल रहा है। ऑल ओवर इंडिया में ये प्रोग्राम चल रहा है आज 10 से 11 बजे। कल हमारे 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिवस है, उसकी पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि हर गांव, हर स्कूल, हर ऑफिस में 10 से 11 बजे तक एक क्लीनलीनेस ड्राइव चलेगी, तो इसी के लिए हम ये चला रहे हैं। और भारत सरकार ये भी करती है कि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हर साल स्वच्छता पखवाड़ा चलता है, 2 पक्ष में चलता है 2 सप्ताह का। इसी क्रम में इसको जो फाइनल इसका है शटडाउन आज ये किया जा रहा है। वॉरियर का ये लोगो है लीव एवरी प्लेस बेटर,
तो आप सभी लोगों से ये आशा है कि आप जहाँ भी हैं कोशिश कीजिए कि जंगलों को, अपने आसपास पर्यावरण को, गांव को, स्कूल को स्वच्छ छोड़ें। थोड़ी सी ये आदत छोड़ें कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो टॉफी जाके उसका रैपर बाहर फेंकने की ये आदत छोड़ें। इसके अलावा ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए। रिफ्रेशमेंट आया हुआ है, सभी लोग रिफ्रेशमेंट ले लीजिए, इसके बाद हमारी टीम यहाँ पे आई। हाथ आगे मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपने दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा। मैं यह अभी वचन देता हूँ कि अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने दैनिक जीवन से हर सप्ताह एक घंटे स्वच्छता के लिए निकालूंगा एवं औरों को इसके प्रति प्रेरित करूंगा। भारत माता की। ये पूरे देश में यह अभियान चलाया जा रहा है आज के दिन, जिसमें कहा गया है कि एक तारीख, एक घंटा, एक साथ सभी लोग स्वच्छता के लिए निकालेंगे। और आज हम लोग जो बच्चे हैं साथ में आए थे, थोड़ा थक गए थे इसलिए चले गए, उन्होंने साइकिल रैली निकाली इसी के लिए। स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, कल गांधी जयंती है, और इसके अलावा हमारा वाइल्ड लाइफ वीक भी शुरू हो रहा है। तो ये सारे ही अवसरों पे आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, एक दूसरे का साथ दिया इस स्वच्छता में। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करिए, अगर आप बिजली गर्जिया, कानिया, हिम्मतपुर, सावलदे या ढेला के रहने वाले हैं, वहाँ पर्यावरण सखियाँ घरों में जाके सूखा कूड़ा इकट्ठा करती हैं। लोगों को बोलिए कि वो इस व्यवस्था का हिस्सा बने, अपने घर से सूखा कचरा उन पर्यावरण सखियों को दें, क्योंकि इनको दिया गया कचरा वापस पर्यावरण में नहीं आता, उसको जलाया नहीं जाता, उसको सेग्रीगेट करके फैक्ट्रीज में भेजा जाता है जहां वो रिसाइकल हो सके। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहां विराम देना चाहता हूं और चाहता हूं सर आप ठीक। धन्यवाद सुधीर जी। आज जिस तरीके से हमने काफ़ी ज़्यादा कचरा एकत्रित किया है, अभी इसको हमारे आरओ साहब के वाहन आएगा और इसको अपने वेस्ट वॉरियर का जो रिंगोड़ा स्थित कलेक्शन सेंटर है वहाँ पर ले जाया जाएगा, इसको वे किया जाएगा कितना कचरा हमने एकत्रित किया है। और अगली बार आशा यही करेंगे कि यहाँ पर जब हम पुनः आए तो हमें और इससे कम कचरा मिले। तो जो ढिकुली के क्षेत्रवासी हैं और आस पड़ोस के लोग हैं उनसे भी यही, और वन विभाग के स्पेशली और जगदीश जी आपसे ये अपील है कि इस तरीके से कचरा ना फैलाएं। इसी के साथ ठीक है, आज का हमारा काफ़ी सफल प्रोग्राम हुआ, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और अभी इसको समाप्ति घोषणा करते हैं। कुछ लोगों की अटेंडेंस रह गई है, अगर आप यहाँ कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं तो अटेंडेंस अपनी जरूर दे दें। हमारी एक सीट है, इस पर सब लोगों ने अपनी अटेंडेंस दी है, जिनका रह गया वो प्लीज़ इस पर अपनी अटेंडेंस जरूर दे दें। थैंक यू।